हेलो एवरीवन, अ वेरी फ्रेश गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नाउंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रूल देखेंगे जल्दी से 10 मिनट में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि सारे चैप्टर्स में ढंग से आपको बता सकूँ, और आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और ख़ुद में आप चेंज देखिए। SSC या बैंकिंग या रेलवे, कुछ भी दिमाग में ऐसा रखते हुए, किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को रखते हुए हमें इंग्लिश की तैयारी नहीं करनी चाहिए। आप लैंग्वेज सीखें, आप तरीके से डिसिप्लिन सीखें लैंग्वेज के, आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठें, आप अच्छा करेंगे। कहने की मीनिंग, लैंग्वेज इज़ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ इंग्लिश। हम ये क्यों सोचते हैं कि हम SSC के लिए ही पढ़ रहे हैं, हम बैंकिंग के लिए ही पढ़ रहे हैं? बातें तो किसी भी एग्जामिनेशन में आपको यही जाननी होंगी जो जाननी चाहिए। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप मुसलसल रहें, लगातार रहें और साथ साथ सीखते चलें। आप खुद में डे बाय डे चेंज देखेंगे। मैं मैक्सिमम चीज़ें बताऊंगा आपको जो शायद किताबों में आपके पास नहीं हो। यस, आपने ठीक सुना, किताबों में आपके पास नहीं हो। मैं सेल्फ मेड क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, मैं डेवलप्ड टेक्निक्स बताऊंगा, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप कैसे सोचते हैं, वो थॉट प्रोसेस आना चाहिए, वो मैं मदद करूंगा आपके साथ। तो आइए बने रहिए और फर्स्ट रूल आज देखते हैं, कॉन्फिडेंटली देखते हैं, मजा आएगा। नाउ आवर फर्स्ट रूल इज देयर आर सम नाउंस that are always used in singular. Rule कह रहा है there are some nouns that are always used in singular. कुछ ऐसे nouns हैं जो कि हमेशा हमेशा singular में ही use होंगे। और मैं एक बात लिख दूं इसके साथ साथ, they are uncountable nouns. They are uncountable nouns. जब कोई noun uncountable हो गया तो उसके आगे an article नहीं लगाएंगे, द लग सकता है। यानी हम कहें a और an, quote कर देंगे, should not be used before them. A और an हम यूज नहीं करेंगे जो भी अभी हम स्टॉक्स में नाउन्स लेंगे उनके आगे। आइए इंस्टेंसेस देखते हैं और आगे बढ़ते। फिर इंस्टेंसेस मीन्स एग्जाम्पल्स। आवर फर्स्ट नाउन इज पोएट्री। थोड़ा फास्ट बता रहा हूं लेकिन डिस्कस करूंगा, अच्छे से करूंगा। पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, परफ्यूमरी, ड्रैपरी, DRAPERY, ड्रैपरी, कटलरी, क्रॉकरी, कन्फेक्शनरी, ज्वेलरी और भी कुछ, ज्वेलरी, ठीक है आगे लिखते हैं। कुछ और भी यादें आएंगी तो मैं बताऊंगा। इज वाले साउंड से कुछ नाउंस, लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, वेस्टेज, परसेंटेज,
परसेंटेज ठीक है। इसके अलावे कुछ नाम्स बहुत ही फेमस जिनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, ब्रेड, हेयर, बिजनेस, वर्क, वर्क इन द सेंस ऑफ बिजनेस, जॉब और टास्क। वर्क की जब मीनिंग बिजनेस आए, टास्क की मीनिंग आए या जॉब की मीनिंग आए, तब हमेशा सिंगुलर। अनदर वर्ड इज वर्ड। वर्ड की मीनिंग जब प्रॉमिस आए, तो प्रॉमिस के सेंस में वर्ड हमेशा सिंगुलर। कॉफी वर्ड सॉल्विंग याद आते जाएंगे तो मैं स्टॉक में लिखा दूंगा, आप साथ साथ नोट करें और सीखते चलें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉफी ओके। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और बात करते हैं। इन्हें मैं इरेज कर रहा हूँ और कुछ एग्जांपल्स के सेंटेंसेस देखते हैं। रूल्स सामने हैं। सम एग्जांपल सेंटेंसेस ओके। आई डू नॉट, चलिए ये भी आ गया तो एक एरर में इसको ही बता ही देते हैं। आई डू नॉट लव जैज म्यूजिक ओके एंड आई डू नॉट लव जैज म्यूजिक्स। Which one is right in this sentence? Okay. I do not love jazz music. I do not love jazz music. पहले यहाँ क्लियर कर दूँ, do not को एक साथ इस तरह से नहीं है। This is the wrong fashion of writing do not. Do not को अलग अलग लिखेंगे, ये करेक्ट है। खैर, I do not love jazz music. आप गौर से देखें, यहाँ music लिख दिया गया है। और हमने भी पढ़ा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाएंगे, यानी हम उन्हें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, यानी म्यूजिक्स वर्ड यहाँ रॉन्ग है। इस सेंटेंस में म्यूजिक्स रॉन्ग है, इसलिए पूरा सेंटेंस रॉन्ग है। आई डू नॉट लव जैज म्यूजिक, ये वर्ड हमेशा सिंगुलर में रहेगा और सिंगुलर में है ये वर्ड करेक्ट, तो बाकी फिर पूरा सेंटेंस करेक्ट। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, I love ancient poetries. I love ancient poetry. कौन सा करेक्ट है? अभी हमने देखा है प्लूरल में नहीं लिख सकते पोएट्री को, पोएट्रीज की तरह हम इसे हमेशा पोएट्री लिखेंगे। यह वर्ड रॉन्ग है, इसलिए पूरा सेंटेंस रॉन्ग। ये वर्ड करेक्ट है, इसलिए पूरा सेंटेंस करेक्ट। आई लव एंशियंट पोइट्री। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। नंबर थर्ड, ही बॉट न्यू मशीनरीज। ही बॉट न्यू मशीनरीज। ही बॉट न्यू मशीनरी।
अब इस तीनों को देखें, इस सेट में तीन क्वेश्चंस हैं, थ्री एग्जांपल्स लगाए गए हैं, कौन सा करेक्ट है? ही बॉट न्यू, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है। मामला इसमें, यानी मशीनरीज को हमने क्या कर दिया, वाई के साथ एस लगा दिया, प्लूरल बना दिया। ना तो इस तरह से मशीनरी को हम प्लूरल बना सकते एस लगाकर, ना तो वाई को आई में चेंज कर और ई एस प्लूरल सफिक्स लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी फैशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि मशीनरी वर्ड प्लूरल में यूज होते ही नहीं, इसलिए पूरा सेंटेंस रॉन्ग। एंड द ओनली लास्ट आंसर इज करेक्ट, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मशीनरी, बिकॉज इट इज ऑलवेज यूज इन सिंगुलर एंड नाउ इट इज यूज इन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, मशीनरी। माइंड इट्स स्पेलिंग एन ई आर वाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से हम कुछ सलाह लें, डॉक्टर साहब सलाह देते हैं, द डॉक्टर गेव चार्ली, इंग्लिश पढ़ रहे तो कुछ इंग्लिश नेम्स हम लिखें, राम श्याम मोहन गीता बहुत हो गया, आइए कुछ अच्छे वर्ड्स देखें। द डॉक्टर गेव चार्ली An advice. The doctor gave Charlie an advices. दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट? गौर से पढ़ें। The doctor gave Charlie, यहां तक एक जैसा है, an advices. Advice तो ठीक लिखा गया है, सिंगुलर में लिखा गया है, लेकिन इसके आगे एन लगा दिया गया है जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एडवाइस वर्ड सिंगुलर तो है लेकिन अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम ना तो एन ना तो ए यूज करते, इसलिए ये पूरा सेंटेंस रॉन्ग। अब एडवाइसेस को हमने प्लूरल में लिख दिया, पहले ही रॉन्ग, और एन तो लगना नहीं है। अभी हमने लॉजिक देखा कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए एन आर्टिकल यूज नहीं करते, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। यानी अब हमें अपना ऑप्शन लिखना होगा, करेक्ट वर्जन लिखना होगा इस सेंटेंस का। द डॉक्टर गेव चार्ली, एन लिख नहीं सकते तो एन छोड़ देंगे, और एडवाइस को हमेशा एडवाइस ही लिखना है, एडवाइसेस भी नहीं लिख सकते क्योंकि एडवाइसेस फिर प्लूरल हो जाएगा, जो कि एडवाइस के डिसिप्लिन में रॉन्ग है। रीजन, एडवाइस एक ऐसा नाउन जो हमेशा सिंगुलर में लिखा जाएगा, ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, दैट्स इट। सो आवर फाइनल आंसर इज द डॉक्टर गेव चार्ली एडवाइस, दिस इज राइट। और अगर हमें एन की मीनिंग को मेंटेन करनी है तो हम फ्रेज इंट्रोड्यूस कर सकते इन ऑर्डर टू मेंटेन द मीनिंग ऑफ सिंगुलरिटी, सिंगुलर मीनिंग को मेंटेन करने के लिए हम फ्रेज लगा सकते हैं। गौर करें, यहां पर हमने एन नहीं यूज किया था, यानी एन की जगह पर हम फ्रेज यूज कर सकते हैं, एडवाइस को तो बाद में लिखा है, यानी एडवाइस से पहले हमें एक फ्रेज यूज करना है, एंड इट वुड बी अ पीस ऑफ, उसी एन की जगह पर हमने लिखा है अ पीस ऑफ, क्योंकि एन लग नहीं सकता, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन, तो एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी जगह हम अ पीस ऑफ लिख देंगे, और अ पीस ऑफ से सिंगुलर मीनिंग आती है, इसलिए ये आंसर भी करेक्ट। एग्जामिनेशन में जैसे ऑप्शंस आपके सामने लगाए जाएं, आप वैसे आंसर को चूज आउट करें। सो द डॉक्टर गेव चार्ली एडवाइस, इट इज राइट। द डॉक्टर गेव चार्ली अ पीस ऑफ एडवाइस, राइट। इससे मीनिंग ये है दोनों ही सेंटेंसेस से कि डॉक्टर ने चार्ली को एक सलाह दी। हिंदी में तो एक सलाह दो सलाह बोल लेते हैं, इंग्लिश में उसकी थोड़ी सी डिसिप्लिन अलग सी है, ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी काम नहीं करता है। एनीवे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बढ़ेंगे, बात करेंगे, इसके बाद की बात होगी, बहुत सारे अभी एग्जांपल्स आएंगे, आप कनेक्टेड रहिए। मैंने कहा कि मैं अच्छे से बताऊंगा और आप अच्छे से सीखेंगे, मैं होप करता हूँ अभी तक के काम आपको समझ आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।